नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम जा रहे हैं भुज से कुकमा आशापुरा मंदिर। और ये मंदिर है दोस्तों, पहाड़ पे है, टेंपल है, और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और चलो दोस्तों चलें। और दोस्तों कैसे हो आप? आज थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, 18 किलोमीटर दूर है और जाने में इतना दिक्कत तो नहीं होगा, पास ही है। आप कभी गए कुकमा आशापुरा मंदिर? हमारे पुल आ गया है, पुल पे चढ़ गए हैं। और ये आप देख रहे हैं, पैसा बचाने के चक्कर में भाई पाइप खुला लेके जा रहे हैं, फुल रिस्क। अभी ये जो लेफ़्ट तरफ रास्ता जा रहे हैं ना, वो बचाव की तरफ जा रहे हैं, और जो राइट हम जिधर जा रहे हैं, ये कुकमा आदिपुर अंजार गांधीधाम, ये रास्ता इस तरफ जाता है। थोड़ा भाई से आगे निकलते हैं। और भाई ये कुकमा गांव आ गया है, और आप देख सकते हो भाई, चाय भाई नाश्ता वाश्ता करना है तो कर सकते हैं। और ये भाई ने पता नहीं क्यों गाड़ी बीच में रुका रखी है, पीछे वाले भाई को रोक के रखा है। चलो हम तो आगे चलते हैं भाई, एकदम रास्ता साफ है भाई। लगता है हम आगे जा रहे हैं, वापस से पीछे घुमाना पड़ेगा गाड़ी, थोड़ा आगे चले गए। बोर्ड लगा था, देखा, लेकिन थोड़ा आगे गाड़ी चले गया, कोई बात नहीं। ये भुज की तरफ से आप आएंगे ना कुकमा में, तो राइट की तरफ आएगा, बोर्ड लगा ही रहेगा। और आप ये देख रहे हो, अच्छा लग रहा है बहुत। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एकदम लाइन से सब सेटिंग करके बिठाया है। और भाई रास्ता तो ऑफ रोड वाला ही है, अभी आराम आराम से गाड़ी चला रहे हैं। भाई आगे हम बाजू में पास आ गए, अभी भाई फैमिली वाले भी आए बहुत सारे जन। भाई झाड़ पेड़ दिख रहा है, इसके नीचे हम खड़ा कर देते हैं गाड़ी। दोस्तों जय माता दी, फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं, और बाइक पार्क कर दी यहाँ पे छाई में, तो गर्म नहीं हो जाए गाड़ी इसके लिए। अब चले ऊपर की तरफ दोस्तों, चलो चलें। जय माता दी दोस्तों, चलो ऊपर की तरफ चढ़े। और आप देख रहे हैं, एक दो दिन में बारिश हुई थी, इसके लिए सब यहाँ पे हरा एकदम लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और भाई ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, और लगे तो यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी माता जी का रहता है तो वहाँ पे भैरव जी का मंदिर रहता ही है। तो अच्छा है दोस्तों, शुरुआत ही हमारी दर्शन हो जाए। जय भैरव बाबा। दोस्तों आप देख सकते हो कि सीढ़ी ऐसा मतलब बनाया हुआ है, चलने के लिए रास्ता है, थोड़ा सीढ़ी है, थोड़ा रास्ता है। ये सब मन्नत वाले हैं कि भाई हमारा ये घर बन जाए, किसका क्या प्रॉब्लम है। और भाई ये तो बहुत बड़ा बना दिया है,
ओ भाई ओ भाई, खड़ी चढ़ाई है बहुत। हाँ लेकिन मज़ा है भाई, कोई है भी नहीं यहाँ पे तो ऊपर लगता है। भाई थोड़ा थक गया हूँ। आप लोग दोस्तों कभी आए यहाँ पे कोकमा में आशापुरा मंदिर? अगर आए तो कमेंट ज़रूर करना। आप देख सकते हो ये पूरा खड़ा चढ़ाई है, ये जो बना हुआ है ना ये बहुत अच्छा है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अभी तो बहुत थक गया हूँ मैं, लेकिन मज़ा आ रहा है दोस्तों। भाई काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ऊपर से, आप देख सकते हो। और भाई अभी पहुँचने वाले ऊपर, पास ही लग रहा है मंदिर। जय माता दी दोस्तों, फाइनली हम ऊपर आ गए मंदिर के पास और हालत ख़राब हो गई दोस्तों, पूरा टी शर्ट गीला हो गया इतना गर्मी। और देख सकते हो वो रास्ता, एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये दूसरा एक नया रास्ता बन रहा है दोस्तों, वो यहाँ से आ रहा है। यहाँ से नया रास्ता बन रहा है दोस्तों और चलो मंदिर की तरफ। जय कारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों, और मंदिर की तरफ हम पहुंच गए हैं, चलो अंदर चले। और काफ़ी पब्लिक बैठी हुई है आप देख सकते हो, और ये काल भैरव जी का मूर्ति है ऊपर भी है। जय काल भैरव। और ये खेतरपाल का है मूर्ति। जय माता दी दोस्तों, फाइनली दर्शन हो गए हमारे। दोस्तों आशापुरा माँ का मूर्ति है और मोमाई माँ का मूर्ति है और रवेची माँ का मूर्ति है। और दोस्तों दर्शन हो गए, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। और गणपति बापा मौर्या, और हनुमान जी का मूर्ति है भाई, सजाया कितना अच्छा है दोस्तों। हर हर महादेव। हाँ दोस्तों ऊपर शिवलिंग भी है और वाइट मार्बल का, भाई साफ सफाई कितना अच्छा रखा है। क्या खाए शिवजी, क्या
हेलो बेन, जय माता दी। क्या दी आवे छो बेन? भले भले, जय माता दी। दोस्तों, हमारे दर्शन मस्त एकदम अच्छे से हो गए। और ये देखो, माँ लिखा है आशापुरा माता जी का मंदिर, बाहर से इतना अच्छा लग रहा है। और अंदर भी आपने देखा भजन चालू था अंदर, और आरती कर रहे थे। और बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर दोस्तों। इतना ऊपर मंदिर बनाया भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। और उसके साथ में भी कि इतना मेंटेन रख रहे, कितना साफ सफाई है। और ये बाहर का जो हिस्सा है वो बता रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ग्रीनरी बहुत रखा है, झाड़ झाड़ लगा के रखा है, जिससे ठंडक रहे ये एरिया में। वैसे भी ठंडक ही रहेगी क्योंकि पहाड़ पे है। और आप देख सकते हो भाई यहाँ से कैसा लग रहा है। जय माता दी। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो माँ आशापुरा के दर्शन करके? और 18 किलोमीटर दूर था दोस्तों, और ये ऊपर का जो चढ़ाई था ना, वो उसमें ज़्यादा मैं थक गया ज़रा। कोई बात नहीं, अभी दूसरा रास्ता बन गया है, वो मैंने आपको दिखाया आगे। वहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय माता दी। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों।